हेलो गाइस, आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप किस तरह आपके ऑडियो से बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो अभी का जब ऑडियो सुन रहे हो, इसमें मैंने बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव नहीं किया है, और अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो इसमें मैंने बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले वाले ऑडियो में कैसा था और अभी के ऑडियो में क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव करेंगे अपने ऑडियो से। तो उसी तरह चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। मैं हूं जावेद अरिशेक, आप हैं टेक्निकल पॉकेट, सो लेट्स डू इट। तो अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन में। सबसे पहले बता दो आपको जो सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला, जो आपको हेल्प करेगा आपके ऑडियो में से बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव करने के लिए, उसका नाम है ऑडेसिटी। ओके, तो चलो एक काम करते हैं, इस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके बाद आपको बताता हूँ कि आप प्रोसेस फॉलो करना होगा, उसके जैसे आपका ऑडियो एकदम प्रॉपरली क्लियर एंड परफेक्ट आएगा। आपको ये प्रोसेस फॉलो करोगे तभी आपका ऑडियो एकदम परफेक्ट बनेगा, ठीक है। आपको कैसा करना है तो चलिए देखते हैं। पहले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, आप यहाँ सर्च कर लेते हैं गूगल में ऑडेसिटी। जैसे भी सर्च करोगे आपको यहाँ पे फर्स्ट लिंक मिलेगा, उसको आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ना ये कैप्चा को क्लियर करना होगा। इसके लिए आपको क्लिक करना होगा चेक, यहाँ पे चेक बॉक्स पे। जब इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे, इसको आपको कंप्लीट कर लेना, जिससे आपको कैप्चा क्लियर हो जाएगा। इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा, होम पेज। इसके बाद आपको क्या करना होगा, डाउनलोड पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर होवर करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए आपको यहाँ पे अवेलेबल, जैसे विंडोज के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए, सोर्स। अच्छा, आप इसमें कौन सा भी ये कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, जिसके भी आपका सिस्टम आप यूज कर रहे हो। इसके मैं विंडोज के लिए करूँ तो मैं विंडोज पे क्लिक करूंगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे नीचे स्क्रॉल करना होगा, यहाँ पे दिख रहा है ऑडेसिटी 2.4.2 इंस्टॉलर, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपका डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरह का आपके पास एक एक्सटेंशन आएगा डाउनलोड होके। ओके, जैसे आप डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करना होगा या फिर राइट क्लिक करके आप उसको ओपन कर लेना। इस पर क्लिक करोगे जैसे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा रन पे, आपका इंस्टॉल। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगा, तो आप इसको इस पर क्लिक करके यस पे सिलेक्ट कर देना। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे तो इसके बाद आपका बोलेगा ये लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैं इंग्लिश पे रहने दूंगा। उसके बाद आपको ओके क्लिक कर लेना है। जैसे ओके पे क्लिक करोगे आप पूछेगा, फिर आपका एक सेटअप विंडो आएगा। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे। यहाँ पे लोकेशन पूछा आपको कहाँ पे इंस्टॉल करना है, मैं बाय डिफॉल्ट ले दूंगा। और उसके बाद आपको वापस से क्लिक करना होगा नेक्स्ट पे। फिर यहाँ पे एक डेस्कटॉप बोल रहा है मैं शॉर्टकट के लिए क्रिएट करने वाला था, हाँ यस। इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट वापस क्लिक करेंगे, इसके बाद सिंपली इंस्टॉल। अब आपका इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो चुका है, सो कमेंट ऑन देते पहला। अब एक बात बता दूँ आपको क्या करना होगा, आपको एक ऑडियो अब तक एक रेडी कर लेना, जैसे कि आप डायरेक्टली वीडियो में ऑडियो डायरेक्टली कैप्चर कर रहे हो तो वीडियो में, तो अगर आप कोई एक्सटर्नली ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तो आपको वीडियो में से ऑडियो को डिटैच करना होगा। जैसे कि आप फिल्म रहे हो, इसको आप इजीली डिटैच कर सकते हो, या फिर आप अलग से कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हो फिर अलग से ऑडियो रिकॉर्ड करो तो वो भी अच्छा है। आपको सिंपली ऑडियो रहना चाहिए आपके पास। जैसे कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे देख रहा हूँ डेमो ऑडियो करके, मैंने एक ऑलरेडी डेमो ऑडियो रिकॉर्ड करके रखा है आपके लिए। आपको किस तरह आपको रिमूव करना पड़ेगा इसमें आपको बताऊँगा, ठीक है। इसी तरह आपको एक पास ऑडियो फीचर होना, जैसे कि MP3 आप देख रहे हो इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। ऑडियो फीचर, ऑडियो फाइल आपके पास होना चाहिए परफेक्टली। इसको नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद फिनिश। अभी मेरा ऑडियोसिटी ओपन होएगा डायरेक्टली, आपको ओके पे क्लिक करना है। इसका सिंपल से इंटरफेस है, आप सिंपली आपको क्या करना होगा मैं सिंपली बताऊंगा कि आपको इसमें और भी फीचर्स है, बट आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह खाली बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फाइल पे जाके आप यहाँ से इम्पोर्ट पे क्लिक करके ऑडियो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ऑडियो पे क्लिक करोगे आपको यहाँ से पूछेगा कि कहाँ पे आपका लोकेशन है, आपको ऑडियो बता दो, ठीक है। और या फिर आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली, जैसे कि ये मेरा ऑडियो है तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको ड्रैग कर लेता हूँ, मैं अपने इसमें यहाँ पे आके इसको छोड़ दूंगा। इसके जैसे वो यहाँ पे आके इसको रिलीज कर दोगे तो यहाँ पे आपका मेरा ऑडियो आ चुका है। ओके, जैसे आपको यहाँ पे ऑडियो आ गया, आप यहाँ पे देख रहे हो ये मेरा ऑडियो एकदम परफेक्टली आया है। अब यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे मेरा एकदम हाई पिच है, यहाँ पे एकदम लो है। तो ये क्या है, जो इतना पार्ट है ना मेरा, तो ये मेरा क्या बोलते हैं जो बैकग्राउंड नॉइस है, अब इसको हमें रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं बता दूं आपको एक बात पहला, कि आपको ये सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। जैसे कि आप जब कभी कभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, फिर आप क्या रिकॉर्डिंग करोगे, तब पहले क्या करना होगा, आप 8 से 10 सेकंड तक आप थोड़ा वेट कर लेना। उसके वजह से कि जितने बैकग्राउंड नॉइस होंगे उसमें कैप्चर हो जाएंगे, उसके बाद आप स्टार्ट करना बोलना। जैसे क्लैप करके एक हाई पीक आ जाएगा, उसके बाद आप स्टार्ट करके बोलना, तो आपको यहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ क्लैप के बाद मैंने स्टार्ट किया, तो यहाँ से आपका ये हाई पीक जितना भी मैंने इसमें बोला है, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे वीडियो आपका खत्म होएगा, उसके बाद भी आपको 8
10 सेकंड रुक जाना तो आपको यहाँ पे पता चलेगा हाँ मैं यहाँ पे वीडियो खत्म हो जाए, तो एडिटिंग के लिए आपको इजी हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप ऑडियो में से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करोगे तो यहाँ से भी आपका इजीली बैकग्राउंड नॉइस रिमूव हो जाएगा। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे चाहिए कि एक्चुअली आपको बताना होगा कि ऑडियोसिटी सॉफ्टवेयर को यहाँ ये पार्ट मेरा जो इतना ये पार्ट है ये मेरा बैकग्राउंड नॉइस है और ये मेरा ऑडियो मतलब परफेक्ट वॉइस है। तो आपको ये कैसे करना है तो मैं आपको बता दिया, आपको रिकॉर्डिंग करते टाइम पे आपको 8 सेकंड पॉज लेना है, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है बोलना, और सेम चीज़ आपको एंड के लिए भी करना है। ठीक है, ये प्रोसेस फॉलो करना होगा तभी आपका ऑडियो एकदम परफेक्टली क्लियर हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे ये प्ले बटन, इसमें क्लिक करके आप प्ले करोगे आपका ऑडियो, तो मैं इसको अभी रिसेट कर दूँ स्टार्ट पे और आप एक प्ले करते हैं। अब देख रहे हो अगर आपको ऑडियो आता होगा तो यहाँ पे देख रहे हो बहुत नॉइस है। ओके, इतना भी जो पार्ट्स अभी प्ले हो रहे हैं नॉइस थे, अब मेरा ऑडियो आएगा यहाँ से। हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप किस आपके ऑडियो में से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हो एडियोसिटी। हाँ, तो आप यहाँ पे सुन चुके हो कि यहाँ पे जितना भी यहाँ पे था मेरा वॉल्यूम्स नहीं आया, बट जो बैकग्राउंड नॉइस थे फैंस के जो थे जो भी बैकग्राउंड में नॉइस आते मेरे आ रहे थे वो सब कैप्चर हो गए यहाँ पे, और जितने भी यहाँ से मेरे पार्ट थे ऑडियो कैप्चर हुआ मेरा। ठीक है, अब क्या करना होगा आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा सर यहाँ पे, और जितने भी यहाँ पार्ट्स हैं ना जो कि 8 सेकंड यहाँ से यहाँ तक मैं सेलेक्ट कर लूँगा जो मेरा बैकग्राउंड नॉइस पार्ट था, और उसके बाद आपको सिंपली इसके बाद क्लिक करना होगा इफेक्ट पे। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है नॉइस रिडक्शन, इसको सेलेक्ट करना है। आपको सिंपली क्लिक करना होगा गेट नॉइस प्रोफाइल, जैसे इस पर क्लिक करोगे आपका हो गया गेट, आपका एक कैप्चर हो गया पार्ट, नॉइस वाला पार्ट कैप्चर हो गया। अब इसके आगे क्या करना होगा, आप सिंपली दिख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे मेरा माउस दिखता होगा कर्सर, तो यहाँ पे वो यहाँ पे मेरा कर्सर दिखता होगा आपको, यहाँ पे सिंपली क्लिक करोगे तो आपका पूरा पूरा ही सिलेक्ट हो गया क्या बोलते हैं ऑडियो। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करना है वापस से, और फिर नॉइस रिडक्शन पे जाना है वापस, और यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे कुछ चेंज कम ज़्यादा नहीं करना है, आपको वैसे का वैसे ही रहने देना बाय डिफॉल्ट सेटिंग, और यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ना जो बैकग्राउंड नॉइस है वो रिमूव कर देगा। ठीक है, अब देख रहे हो मेरा यहाँ पे पिक्स थोड़े कम हो गए, तो यहाँ पे थोड़ा इसने कम कर दिया। आपको ये प्रोसेस वापस फॉलो करना होगा, सेम चीज़ आपको यहाँ पे वापस सेलेक्ट करना है, और ये चीज़ आपको तब तक करना है तब तक आपको ये नॉइस है एकदम ये ना हो जाए। जैसे कि मैं वापस करता हूँ और इसको मैं इतना सिलेक्ट कर लिया, वापस से हम जाएंगे एफेक्ट्स पे, वापस से नॉइस रिडक्शन एंड गेट नॉइस प्रोफाइल। ओके, उसके बाद कंट्रोल ए से भी आप इसको पूरा सिलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल ए करके, उसके बाद एफेक्ट पे जाना है, नॉइस रिडक्शन करना है, फिर ओके अब मेरा वापस से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया, मेरा नॉइस को रिमूव करेगा। ओके, आप देख रहे हो अभी और थोड़ा कम हो गया, अब मैं प्ले करके बताता हूँ आपको बहुत ही कम हो चुका रहेगा वो। आपको अभी पूरा कोई नॉइस आ रहा है तब देख सकते हो कि अभी वो आपको कोई सुनाई नहीं देता होगा नॉइज जरा भी, बट स्टिल जब तक एकदम क्लियर नहीं होता तो मैं करता हूँ उसको वापस, एक बार वापस कर देते हैं, इफेक्ट पे क्लिक करना है, वापस नॉइस रिडक्शन एंड गेट नॉइस प्रोफाइल, फिर से ये यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, फिर कंट्रोल ले करके आप सिलेक्ट कर लेना पूरा ऑडियो को, फिर नॉइस रिडक्शन, इसके बाद ओके अभी यहाँ पे वापस इसने स्टार्ट किया। ओके, आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे लाइन एकदम क्लियर हो गया है अभी, तो यहाँ पे मेरा नॉइस पूरा का पूरा रिमूव हो चुका है, जहाँ पे एक ही हल्का हल्का पीक है वो अपना इतना कटिंग में जाने वाला, बट भी अच्छा खासा अपना ऑडियो फिल्टर हो चुका है। मैं प्ले करके आपको बताता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ सिक यहाँ से, और मैं प्ले कर रहा हूँ, अब देखो मेरा ऑडियो प्ले हो रहा है अभी, अगर ध्यान से सुनो आपको कोई नॉइस आ रहा है क्या। हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप किस आपके ऑडियो में से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हो एडिशन। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि आपको यहाँ पे जरा भी बैकग्राउंड नॉइस नहीं आया यहाँ पे, इसी तरह आप अपने ऑडियो में से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हो। अब इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, इसके बाद आपको सिंपली फाइल पे जाना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखिएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में कर सकते हो, मे बी आपको MP3 में करना है तो MP3 में क्लिक करना, उसके बाद आपको नाम दे देना, लोकेशन आपको सेलेक्ट करना कौन से फोल्डर में कहाँ पे सेलेक्ट करना है। ओके, जैसे कि मैं अभी डेस्कटॉप पे क्लिक कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे हम स्टोर करेंगे उसको, उसके डेमो ऑडियो में मैं लिख दूंगा सिंपली मैंने ये फिल्टर कर दिया है बैकग्राउंड नॉइस को, और उसके बाद सिंपली आपको क्लिक करना होगा सेव पे, फिर से आपको पूछेगा नेम ट्रैक टाइटल एल्बम टाइटल जो आपको डालना होगा डाल सकते हो, मैं भी सिंपली ओके क्लिक कर दूंगा, मेरा एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया, मेरा एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गया, इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पर देखोगे मेरा इसको आ चुका है डेमो ऑडियो, और अभी देखोगे यहाँ पे मेरा डेमो ऑडियो फिल्टर आ चुका है, यहाँ पे मेरा ऑडियो एकदम फिल्टर होकर प्रॉपर बन चुका है, मेरा रेडी है, अब मैं अपने इसको यूज़ कर सकता हूँ अपनी वीडियो में इसको एडिटिंग के टाइम पे। ओके, तो ये रहा प्रोसेस जिसमें आपको बता दें मैं ऑडियो में से कैसा बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर रहा है, बट आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देना, जब भी आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो आपको 8 सेकंड स्टार्ट में थोड़ा वेट करना है, इसके बाद आपको बोलना स्टार्ट करना, और इसी तरह आपको एंड में भी थोड़ा पॉज लेके इसके बाद वीडियो को आपको स्टॉप करना है। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पहले पे भी क्लिक कर देना लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक स्टे सेफ स्टे हैप्पी।